ज्योतिरादित्य सिंधिया बमोरी विधानसभा के दौरे पर ग्राम पंचायत झागर पहुंचे, जहां अपनी सरकार के गुण गिनाते हुए दिखे और कहा कि मैं 2014 में झागर की एक पोलिंग हारा था और एक जीता था, लेकिन अब मुझे पूरी पोलिंग जीतनी है, आपके सारे काम तुरंत कर दिए जाएंगे। और मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखते। झागर से ग्राउंड रिपोर्ट और जालम करार की रिपोर्ट। ऐसे नहीं चलेगा, मैं बता दूं तुमको, अगर तुम्हारा हट है और तुम्हारा हट भी मैं सुनता हूं तो फिर मेरा भी हट है, समझ गए? तो रिश्ता बनता है तो विश्वास के आधार पर बनता है। आपका सड़क बना है, आपका बिजली का सप्लाई हुआ है, आपके तालाब बने हैं, जब तक झागर का पोलिंग आप नहीं जिताओगे जबरदस्त तरीके से, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके लिए सब कुछ करके दिखाएगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और जिस मोदी जी ने किसान को त्रस्त किया है, जिस मोदी जी ने नौजवान को पस्त किया है, उस मोदी जी को पूरी बिस्तर बांध के यहां से भेजना पड़ेगा मध्य प्रदेश से। तालाबों का जीर्णोद्धार, चाहे वाडिया नाला है, चाहे भैंसा टोरी है, चाहे दतिया बांध है, चाहे सावर सिंगा पे जाते हो तो बीजेपी के शर्म हो जाओ। बीजेपी के लोग अभी भी बैठे हैं उन राशन की दुकान पर, हम लोग उनको निकालेंगे और आपको अपना गेहूं दिलाएंगे और अपना पूरा केरोसिन और सब कुछ हम लोग दिलाएंगे गरीबों को। और जैसे मैंने पहले कहा, जिस सरकार ने किसान को त्रस्त किया है, नौजवान को पस्त किया है, आपने कहा था किसान का ऋण माफ, हमने किया, बिजली बिल हाँ हमने किया, तो किसान का ऋण माफ, बिजली बिल हाँ, अब मैं मांग करता हूं भाजपा का सुपड़ा।